देश की गद्दी पर यानी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार बैठने की तैयारी में है, लेकिन इस तैयारी के पीछे छिपा है राज। राज यह कि भारत की जनता ने 10 साल अकेले सरकार चलाने वाले मोदी को, जिस मोदी ने बीजेपी को पीछे छोड़कर मोदी मोदी करते नहीं थकते, जनता ने उस मोदी को बहुमत नहीं दी, बहुमत से 32 सीट पीछे मोदी रह गए। यानी भारतीय जनता पार्टी 32 सीट पीछे रह गई, 240 में सिमट गई। अब मोदी के नाम को जपने का यह जो सिलसिला है खत्म होगा, क्योंकि मोदी और भाजपा सरकार बनाने के लायक नहीं रही। अब बनेगी सरकार एनडीए की। एनडीए की सरकार मतलब सहयोगियों के साथ सरकार चलाना, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका दो व्यक्ति की हो गई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 12 सीट लेकर आए, और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो 16 सीट लेके आए। दो व्यक्ति जो तस्वीर में भी बगल में हैं, उन दोनों की महत्व बढ़ गई। अब रहेगी भारत में एनडीए की सरकार। मोदी की हनक, मोदी का जादू, मोदी का चेहरा अब नहीं चलेगा, यह भारत की जनता ने साबित कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, संविधान का मुद्दा, नौकरी, यह मुद्दा काम किया। विपक्ष अब काफी ताकतवर हो गए। विपक्ष आंख में आंख मिलाकर अब सदन में पूछने के लिए ताकतवर हो गए कि आपने ऐसा क्यों बोला और क्यों नहीं काम किया। जनता विपक्ष को मजबूत कर दी और मोदी को कमजोर कर दी। किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता पक्ष तानाशाह नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है या संजोग की बात कहें, 14 में मोदी को 282 सीट मिला, यानी बहुमत से 10 सीट ज़्यादा, और 19 में मोदी को 303 सीट मिला, 72 के जगह 303। अब आप इस सोच सकते हैं कि मोदी के सर पर ताज लगते मोदी जी की भाषा बदल गई। इस बार के चुनाव में मोदी 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 मतलब भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, अब मोदी का नाम आगे रह गया। जो सांसद और मंत्री हार गए चुनाव, स्मृति ईरानी तक हार गई, वो यह जान रहे थे कि मोदी के नाम पर हमें जनता वोट मजबूर होकर देगी, क्योंकि चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा सबसे अधिक उठाया गया। हिंदू मुसलमान करके वोट को एक तरफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से आम जनता को समझाने का काम किया, विपक्ष ने जिस तरह संविधान बचाने की बात करी, विपक्ष ने जिस तरह यानी इंडिया गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी के मुद्दा को उठाया कि जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता समझ गई कि मोदी तानाशाह हो गए। जिस तरह 10 साल में मोदी डरवा कर काम कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों को डराना, ईडी सीबीआई के माध्यम से और जेल भेजना, साथ ही साथ स्वतंत्र पत्रकारों को धमकाना, मीडिया पर कब्जा कर लेना, प्रशासनिक तंत्र पर कब्जा कर लेना, यह हिटलरशाही की ओर देश जा रही थी। लेकिन धन्यवाद वह भारत के जनता का, जिस जनता ने वक्त रहते समझा और समझकर मोदी के हिटलरशाही रवैये को चकनाचूर कर दिया। अब कल की बैठक जो हुई उसमें
मोदी एनडीए के नेता चुने गए यानी प्रधानमंत्री वही बनेंगे, और जो समझौता पत्र भी सारे एनडीए के सहयोगियों ने सबमिट किया और बगल में नीतीश और नायडू खड़े हैं, अन्य भी खड़े हैं, तो नीतीश नायडू का महत्व बढ़ गया। अब ये दोनों का दबाव झेलना होगा प्रधानमंत्री को, यानी देश के प्रधानमंत्री अब मजबूर प्रधानमंत्री हो गए। एक अहंकारी प्रधानमंत्री अब मजबूर प्रधानमंत्री हो गए। अब मोदी मोदी नहीं वो कह सकते, वह एनडीए की सरकार कहेंगे जैसे कल उन्होंने कहा। तो यह मोदी के चेहरा और मोदी के नाम को धूमिल कर देने के लिए जनता ने मैंडेट दिया। अब एनडीए की सरकार चलेगी और एनडीए के सरकार के तहत जो योजना बनेगी वह सबके साझा योजना से काम होगा। अगर इस बार एनडीए की सरकार में मोदी मुखिया बनकर चुनाव के बाद सरकार बनाते हैं और काम ढंग से नहीं होता, तो मोदी के साथ साथ जितने सहयोगी हैं सबको जनता सबक सिखाएगी। जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए महंगाई पर अंकुश, जनता को चाहिए किसानों की समस्या का निदान, जनता को चाहिए सुरक्षा और जनता को चाहिए रोजी रोटी। और इस मुद्दा जो मुद्दा विपक्षियों ने उठाया कि सरकार बनते देश के खाली पड़े 30 लाख नौकरी को पद को भरा जाएगा, यह विपक्ष तो बात करेगी सदन में, और देश में जो खाली पड़े पद हैं उसे भरना होगा। नौकरी देने की बात विपक्ष ने कही, वह विपक्ष फिर मांगेगी जवाब सरकार से सरकार बनने के बाद, तो नौकरी देनी होगी। किसानों की समस्या का मुद्दा उठेगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठेगा और बेरोजगारों का मुद्दा उठेगा, और यह विपक्ष इतनी ताकतवर हो गई कि एक दिन सदन नहीं चलने दिया जाएगा। विपक्ष ताकतवर हो गई और विपक्ष के मांग के सामने एनडीए सरकार को घुटना टेकनी होगी, मोदी को घुटना टेकना होगा विपक्ष के सामने, यानी अखिलेश यादव, राहुल, तेजस्वी, अन्य जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबके सामने घुटना टेकना होगा मोदी को और एनडीए सरकार को, और हर वो काम करने होंगे जो विपक्ष के नेताओं ने आम लोगों के पास कही। चूंकि सत्य बातों को कहा, अब सरकार बनेगी एनडीए की, मोदी की नहीं, याद रखें एनडीए की, उस एनडीए के सरकार में मोदी मुखिया होंगे, उन्हें काम करना होगा, लेकिन काम वो तब कर सकेंगे जब उनके सहयोगी उन पर दबाव कम देंगे, यानी उनके सहयोगी जो नीतीश कुमार, नायडू, अपना दल और भी जो छोटे बड़े दल हैं, उनका भी दबाव पहले सरकार बनेगी तो रहेगा कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे वो मंत्री चाहिए, मुझे लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, तो यह दबाव मोदी को पहले झेलना होगा। फिर काम करने का दबाव रहेगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तीसरी बार के बाद चौथी बार का सपना नहीं देखा जा सकता है। अब यह भी मैसेज भाजपा के हारे हुए और जीते हुए नेताओं के पास पहुंचा कि अब स्वयं जनता के बीच जाना होगा, काम करना होगा, मोदी के नाम के सहारे जीता नहीं जा सकता। और जितने भी सांसद जीत कर आए हैं, लगभग सांसदों का जीत का जो मार्जिन है घट गया, इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने नकारा है भारतीय जनता पार्टी को, यानी मोदी को। और अब मजबूर मोदी होकर सरकार चलाएंगे, उसे अब मजबूर मोदी कह सकते हैं, वह स्वयं सत्ता में आने लायक सीट नहीं लेकर आए। बड़ी पार्टी बनी है 240, लेकिन वो बहुमत के करीब नहीं है, उन्हें सहयोगी चाहिए, जिसमें अहम भूमिका नीतीश और नायडू की है,
और भी पार्टियों की है। तो मजबूर प्रधानमंत्री क्या इस देश के जनता के सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या मजबूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने वाले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए नौकरी युवाओं को देंगे? क्या 30 लाख खाली पड़े पद जो देश में हैं उसे भर्ती किया जाएगा? क्या रेलवे में फिर पहले की तरह वैकेंसी निकाली जाएगी? क्या अग्निवीर योजना खत्म करके पहले की तरह नौकरी दी जाएगी? यह मुद्दा है। किसानों के समस्या को सुलझाया जाएगा? इन सारे मुद्दा पर मोदी को काम करना होगा। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी और नैतिकता के आधार पर नरेंद्र भाई मोदी को यह कहना चाहिए कि मैं जनाधार नहीं, मुझे बहुमत नहीं मिला, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन उन्हें फिर प्रधानमंत्री पद चाहिए। एनडीए की सरकार हो मंजूर, लेकिन वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना देखा बड़ा, लेकिन हो गया छोटा सपना। मैं इसीलिए पहले भी वीडियो में आपसे कहा था कि 250 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने वाली है। मैंने आकलन निकाला था, मोदी का ग्राफ गिरा, चेहरा धूमिल हुआ, अब वो बात नहीं रही मोदी में। वो हैरान परेशान थके हारे मोदी हैं जिन्हें काम करना होगा। अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, अब वो हिंदू मुसलमान भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि जो उनके सहयोगी हैं वो मुसलमानों को भी का भी वोट लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हिंदू मुसलमान तो वो बोलना भूल जाएंगे, और जात पात और तुष्टिकरण की राजनीति करके जो मोदी देश में जो फैला रहे थे वैमनस्यता, वह उनकी खत्म हो जाएगी। उन्हें अब काम करके दिखाना होगा। एक मजबूर प्रधानमंत्री मोदी, एक अहंकारी प्रधानमंत्री मोदी अब मजबूरी में काम करेंगे, यह देखने योग्य बात होगी। मैंने कहा था कि भारत की जनता जब मुगलों के शासन को बर्दाश्त नहीं करी, अंग्रेजों के शासन को बर्दाश्त नहीं करी, तो इस हिटलर शाही रवैया अपनाने वाले मोदी को कैसे बर्दाश्त करेगी? 10 साल में मोदी यानी भाजपा का अंत कर दिया भारत की जनता ने, इसके लिए भारत की जनता को सलाम। हमेशा सजग और सचेत आम लोगों को रहना होगा, क्योंकि हमारे मत को लेकर ये नेतागण सदन में जाकर ऐश की जिंदगी जीते हैं और हम ही को दबाने का कोशिश करते हैं। मत का प्रयोग करना एक अधिकार है, तो मत का महत्व है। हमारे बल पर ये नेता सादे लिबास में घूमते नजर आते हैं। हम नहीं तो तुम नहीं, तुम मोदी है तो मेरे बदौलत है। आज एनडीए सरकार बनी तो मेरे बदौलत बनी, यानी जनता के बदौलत, और 2 बार बहुमत की सरकार थी भाजपा की तो जनता के बदौलत। जनता ने नज़र घुमाया, बहुमत घटी, एनडीए सरकार बन गई। तो भैया आप अब भी अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ, जो आंख पर मोदी का पट्टी बांध कर घूम रहे हैं, जो अंधभक्त हैं, वक्त बदल गया, आप भी बदलो। अंधभक्तों का अब इस देश में कोई जुगाड़ नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें कि मोदी मजबूर मोदी कैसे काम करेंगे, और साथ ही साथ शेयर करें दोस्तों यारों में। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेका, धन्यवाद।